हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश बुक का ये एक्सरसाइज 9 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। ये देखो, ये आपकी बुक का पेज नंबर आप देख लो, पेज नंबर 257 है और एक्सरसाइज आपकी है 9, है ना। ये इसका ट्रांसलेशन इस वीडियो में करेंगे। देखो, इसमें इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, है ना। इंट्रोगेटिव दो तरीके के होते हैं, एक में इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन शुरू में पूछा जाए, और एक होता है आपका, जैसे देखो इस सेंटेंस में आपका है कि वह कहाँ, यानी कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, बीच में है। तो ये जो जिसमें शुरू में होता है ये हेल्पिंग वर्ब से बनता है, और जो बीच में होता है वो WH वाले होते हैं। तो जैसे देखो ये सेंटेंस है आपका, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है जिसमें देखो जाता हूँ, खाता हूँ, है ना, जो काम करना है उसको, डू या डस से सेंटेंस बनता है। अब दिया हुआ है क्या मैं वहाँ जाता हूँ, तो अब यहाँ क्या मैं वहाँ जाता हूँ के लिए देखो मैं के साथ आपका मैं ज़्यादा होता है, तो मैं के साथ डू लगेगा। तो सबसे पहले तो आप लिख दो डू, डू फिर आई, है ना, डू आई गो देयर, डू आई फिर जाने की इंग्लिश लगा दो, डू आई गो और देयर मतलब वहाँ, है ना, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस डू आई गो देयर, क्या मैं वहाँ जाता हूँ, क्या तुम कक्षा में शोर मचाते हो, फिर वही देखो तुम है तो तुम ज्यादा माना जाता है, तो ज्यादा के साथ डू लगता है, यानी डू, अब तुम की इंग्लिश डू यू, उसके बाद डू यू शोर मचाने की लगा दो, देखो डू डू यू शोर मचाने की लगा दो, मेक नॉइस MAKE मेक नॉइस NOISE मेक नॉइज, कहाँ शोर मचाते हो, कक्षा में, यानी इन द क्लास, और क्वेश्चन मार्क नेक्स्ट, क्या राम कठिन परिश्रम करता है, अब राम अकेला लड़का है ना, तो अकेले के साथ डज लगता है, डज राम, डज के बाद तुरंत आप सब्जेक्ट लगा दो, है ना, जिसके बारे में बात कही जा रही है, डज राम कठिन परिश्रम के लिए, डज राम वर्क हार्ड, WORK HARD, फिर वह कहाँ रहता है, अब देखो यहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ यानी कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो अब इसको ये WH का होता है, इसको डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं, सबसे पहले इसी की इंग्लिश लिखो, यानी वेयर, WHERE वेयर, वेयर के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा दो, अब यहाँ क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब आपका डू या डज लगेगा, अब यहाँ वहाँ यानी एक लड़का है तो वेयर डज, अगर ज़्यादा होता तो वेयर डू लगाते, ना वेयर डज, अब लड़का है तो ही, लड़की होती तो शी लगाते, और रहता है कि इंग्लिश लगा दो वेयर डज ही लिव, क्वेश्चन मार्क कम्प्लीट, हरी रात में क्यों नहीं पढ़ता है, क्योंकि इंग्लिश लग दो पहले, सबसे पहले क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, आप तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगा दो, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हरी अकेला है ना तो डज लगेगा, वाई डज हरी HARI वाई डज हरी, अब नहीं की इंग्लिश लगा दो, वाई डज हरी नॉट स्टडी STUDY स्टडी, अब रात में ना स्टडी एट नाइट NIGHT नाइट, फिर तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानते हो, देखो क्यों से क्वेश्चन बन रहा है तो क्यों को पहले लिख दो, यानी क्यों की इंग्लिश होती है वाई, अब तुरंत हेल्पिंग में लगा दो यू, है ना, तो यू के साथ यू ज्यादा होता है तो यू के साथ आपको डू लगाना है, वाई डू यू, अब नहीं है ना तो वाई डू यू नॉट, कहना मानने के लिए लिसन टू मी LISTEN लिसन टू मी क्वेश्चन मार्क, क्या वह प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है, देखो यहाँ क्या से क्वेश्चन है ना, यानी हेल्पिंग वर्ब है तो डू या डस से बनेगा, वह है तो अकेला है तो डस से बनेगा, डस, डस के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो, डस ही पढ़ने लगा दो, डस ही रीड, क्या पढ़ता है, द न्यूज़पेपर, Does he read the newspaper? कब पढ़ता है? Every day, यानी हर दिन, तो EVERY every day, question mark, है ना?
तुम प्रतिदिन कौन सा खेल खेलते हो? तो अब यहाँ देखो कौन पूछा है ना, तो कौन की इंग्लिश लगा दो। कौन की इंग्लिश क्या होती है सबसे पहले आप, तो कौन की इंग्लिश विच गेम, WHICH विच गेम। अब तुम है तो यानी डू या डज में डू लगेगा क्योंकि तुम के साथ डू लगता है। विच गेम डू यू प्ले, कब खेलते हो? प्रतिदिन यानी एवरी डे। तो विच गेम डू यू प्ले एवरी डे, एवरी डे। फिर वह इस समय क्या करती है, देखो क्या से क्वेश्चन है ना, तो यानी व्हाट, WHAT व्हाट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो व्हाट अब लड़की है ना, वह तो डज लगेगा। व्हाट डज लड़की है तो शी लगा दो। व्हाट डज शी डू, करने के इंग्लिश डू हो गई है ना, डू मतलब करना, डू एट दिस टाइम क्वेश्चन मार्क, तुम आज अपनी पुस्तक क्यों नहीं पढ़ते हो? तो क्यों से इंग्लिश बनाओ, देखो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। तो वाई के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब तुम है तो डू लगा दो। वाई डू यू, अब नहीं पढ़ते हो तो वाई डू यू नॉट रीड योर बुक टुडे, योर बुक टुडे TODAY योर बुक टुडे। तुम्हें कौन बुलाता है? देखो जब भी आपका हु के साथ, देखो कौन की इंग्लिश होती है हु, और हु के साथ आपका डू या डज नहीं लगता है, ये ध्यान रखो है ना। यहाँ कौन की इंग्लिश हु होती है किसी को बुलाने के लिए, तो अब ऐसा नहीं लगेगा कि हु के साथ आप डू या डज लगाओ, बस हु कॉल्स यू आपको यही लिखना पड़ेगा, हु कॉल्स यू। हु के साथ कभी भी डू या डज नहीं लगता है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? यहाँ पर भी देखो हु, अब यहाँ पर भी हु टीचर्स, TEACH टीचर्स यू इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। हमेशा याद रखो हु के साथ डू या डज नहीं लगता है, ऐसे बनता है हु कॉल्स यू या हु टीचर्स यू इंग्लिश। बच्चों चाहे इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो, और इसको बार बार पढ़ते जाना जैसे आपको एकदम अच्छे से ये रट जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों। बाय बच्चों।